Myringoplasty or repair of the eardrum. Myringo means tympanic membrane or eardrum. Myringoplasty is plasty or repair of a torn eardrum. Myringoplasty is done for those patients who have a hole in their eardrum and that hole needs to be repaired by a surgical procedure. Myringoplasty mein hum patient ka eardrum perforation repair karte hain. Patient ko kabhi kabhi kaan mein infection hoti hai jisko ASOM aur CSOM kaha jata hai. Is infection ke baad kabhi kabhi eardrum rupture hoke perforate ho jata hai. Eardrum perforation ke repair ko myringoplasty kehte hain. इस ऑपरेशन में हम कान के ईयरड्रम को रिपेयर करके एक नया ईयरड्रम या नया कान का पर्दा बनाते हैं. मायरिंगोप्लास्टी में हमारा मकसद होता है कि टॉर्न ईयरड्रम रिपेयर हो जाए और हियरिंग रिस्टोर हो जाए. मायरिंगोप्लास्टी में हम तरह तरह के मटेरियल यूज़ करते हैं, कभी कभी पेपर या ज़्यादातर हम ग्राफ्ट मटीरियल यूज़ करते हैं. ग्राफ्ट मटीरियल में सबसे ज़्यादा कॉमन है टेम्पोरालिस फेशिया या ट्रेगल पेरिकॉन्ड्रियम. टेम्पोरालिस फेशिया और ट्रेगल पेरिकॉन्ड्रियम दोनों हम पेशेंट की बॉडी से उनके टिश्यू को इस्तेमाल करते हैं और उसी ऑपरेशन के टाइम ये हम ग्राफ्ट मटेरियल निकालते हैं और रिपेयर करते हैं टॉर्न ईयरड्रम को. मायरिंगोप्लास्टी का ऑपरेशन हम लोकल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं जिसमें सर्जन लोकल एनेस्थेटिक लगाता है और पेशेंट का एरिया को नम करता है. कभी कभी हम इसको मैक या मॉडिफाइड एनेस्थीसिया केयर में करते हैं जिसमें एनेस्थेटिस्ट पेशेंट को पूरी तरह से बेहोश नहीं करते लेकिन पेशेंट को दर्द ना हो उसका ध्यान रखते हैं. और कभी कभी हम मायरिंगोप्लास्टी को फुल जनरल एनेस्थीसिया में देते हैं जिसमें पेशेंट पूरी तरह से बेहोश होता है. मायरिंगोप्लास्टी करने से पहले हम पेशेंट को अच्छी तरह से एग्जामिन करते हैं, ईयरड्रम परफोरेशन नोट करते हैं, कहाँ पर है, कितनी बड़ी है, ईयरड्रम के आसपास का इलाका कैसा है. हम एक सिंपल सा हियरिंग टेस्ट जिसको हम ऑडियोग्राम कहते हैं वो करते हैं देखने के लिए कि पेशेंट को हियरिंग लॉस कितना है, और सिंपल ब्लड टेस्ट इंक्लूडिंग वायरल मार्कर्स वगैरह कराते हैं देखने के लिए कि पेशेंट सर्जरी के लिए फिट है कि नहीं. एक बार ये पूरी तरह से जांच हो जाती है हम पेशेंट को ऑपरेशन की डेट देते हैं. ये ऑपरेशन कान के पीछे से यानी कि पोस्टोरल, कान के अंदर से यानी कि परमियाटल, या कान के आगे से जिसको हम एंडोरल कहते हैं, तरह तरह के इंसिशन से होते हैं. इंसिशन डिपेंड करता है सर्जन की पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर और इसके ऊपर कि आपकी परफोरेशन कहाँ पर है, एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, सब टोटल है. इसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं कौन सा वाला अप्रोच यूज़ करना है आपके ईयरड्रम को रिपेयर करने के लिए. सर्जरी करने के बाद आपके कान के ऊपर पट्टी होती है जो हम 5 to 7 days लेटर रिमूव करते हैं. पट्टी निकालने के बाद हम कान में अगर इंसिशन दिया है तो वो सूचर्स रिमूव करते हैं. कान के अंदर एक ड्रेसिंग होती है जिसको हम ओरल पैक कहते हैं, वो हम कोशिश करते हैं 2 हफ्ते तक रहे ताकि ईयरड्रम अच्छी तरह से रिपेयर हो जाए. मायरिंगोप्लास्टी करने के बाद कुछ एहतियात पेशेंट ने बरतने हैं. सबसे ज़रूरी ये है कि कान में या ऑपरेटेड ईयर में पानी बिल्कुल नहीं लगना चाहिए. दूसरा, मायरिंगोप्लास्टी के बाद हम रिकमेंड करते हैं कि 3 से 4 हफ्ते तक आप फ्लाई ना करें क्योंकि फ्लाई करने से एयर प्रेशर की वजह से ईयरड्रम में नुकसान हो सकता है. मायरिंगोप्लास्टी प्रोसीजर में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस हैं. ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है, ग्राफ्ट रिजेक्शन हो सकती है, और कभी कभी बहुत ही रेयर केसेस में हेयरिंग लॉस भी हो सकता है. मायरिंगोप्लास्टी करने की प्री कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहले ईयरड्रम में होल होना चाहिए. सेकेंडली, कंडक्टिव डेफनेस होनी चाहिए. थर्डली, ईयर ड्राई होना चाहिए यानी कि एक्टिव डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए कान में, क्योंकि इन स्थिति में कभी कभी रिजल्ट हमारे थोड़े कम हो जाते हैं. मायरिंगोप्लास्टी हम बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों में कर सकते हैं और ये सेफ़ प्रोसीजर है. पेशेंट की अगर जनरल हेल्थ ठीक है और वो एनेस्थीसिया टॉलरेट कर पाते हैं तो मायरिंगोप्लास्टी एक छोटा सेफ़ प्रोसीजर है और ये आसानी से हो सकता है.